Hello friends and welcome to Pendulum Edu. Today we'll be discussing daily current affairs of 8 October 2020. So guys, quickly join this session and jin logon ne channel ko subscribe nahi kiya hai, isko subscribe kare, bell icon ko zarur press kare aur UPPCS prelims ka jo paper hai Hindi aur English mein वो 9 तारीख को लाइव होगा, यानी कि कल लाइव होगा। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं आप वेबसाइट पर जाकर। साथ ही आप ये जो करंट अफेयर्स वो डेली जाकर वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस डे की न्यूज़ को फटाफट से रिवाइज करेंगे एंड देन हम आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट इज विनर्स फॉर नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2020 वॉज अनाउंस्ड। सो जो 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है मेडिसिन का वो अनाउंस हो गया है एंड ये जो विनर्स थे नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन को, इनको जो मिला था अवार्ड वो मिला था फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ओके, सो हेपेटाइटिस सी वायरस की उन्होंने खोज की थी जिसके लिए उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है। एंड ये जो विनर्स हैं इनके नाम हैं हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड माइकल हॉकटन। एंड इसमें जो हार्वे जे ऑल्टर हैं और जो चार्ल्स एम राइस हैं वो अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर्स हैं, वाइल जो माइकल हॉकटन हैं वो ब्रिटिश प्रोफेसर ऑफ वायरोलॉजी हैं। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इनॉग्रेटेड रेस 2000 समिट ऑन AI। तो ये रेस समिट क्या है, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 समिट। और ये समिट 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक चल रहा है एंड इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड उसके साथ साथ नीति आयोग जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं समिट को। एंड ये जो समिट है, ठीक है, ये AI को प्रमोट करने के लिए है। तो भारत की सरकार ने कुछ कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं AI को प्रमोट करने के लिए, जैसे जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इट इज़ फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग एंड स्किलिंग। देन अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग ने शुरू किया, एक ऐसे ही नेशनल प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। देन स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रयास कर रही है इन द फील्ड ऑफ AI। एंड जो अभी अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो इस तरह से AI को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट काफ़ी यहाँ पर स्टेप्स ले रही है, क्योंकि इंडिया एम करता है टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज 2 नाबार्ड सपोर्टेड ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात। गुजरात में 2 नाबार्ड सपोर्टेड ऑर्गेनिक स्पाइसेस स्पीड जो सीड पार्क्स हैं वो इस्टैब्लिश किए जाएंगे। एंड ये कहाँ कहाँ पर इस्टैब्लिश किए जाएंगे, एक तो का किया जाएगा बानसकांठा में, ठीक है। बानसकांठा में जो है वो कौन सा सीड होगा, कौन सी स्पाइस का सीड होगा, सौंफ का होगा। एंड अनदर इज पाटन, पाटन में कौन सा होगा, जीरे का सीड पार्क होगा। ओके, सो ये 2 प्लेसेस है। नेक्स्ट इज DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो दैट इज स्मार्ट। तो जैसा हमने कल पढ़ा था कि टॉर्पीडो जो होता है उसको, ये सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, ये पानी के अंदर जो है किसी भी जो टारगेट को हिट करता है, लेकिन इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है। उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। अब टॉर्पीडो को जो रिलीज़ किया जाएगा वो एक सुपरसोनिक मिसाइल के हेल्प से किया जाएगा, ताकि जो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाए। और इसी चीज़ को DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया फ्रॉम द व्हीलर आइलैंड ऑफ ओडिशा, ठीक है। इससे इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज MOU वॉज साइन बिटवीन ISLRTC दैट इज इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, और साथ ही NCERT, इन दोनों ने MOU साइन किया कि जितना भी एजुकेशनल मटीरियल है उसको इंडियन साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये जो ISLRTC है ये एक ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत, और इसका काम यही है कि जो इंडियन साइन लैंग्वेज है उसमें टीचिंग को, रिसर्च को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज फॉर्मर गुजरात हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस AS दवे रिसेंटली पास्ड अवे।
एंड कोई भी हाई कोर्ट का जज है उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और कब किया जाता है, जब जो चीफ जस्टिस हैं या तो उनका ऑफिस वेकेंट है, या फिर चीफ जस्टिस कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए एब्सेंट हैं, या फिर वो चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में असमर्थ हैं, ऐसे कंडीशंस में प्रेसिडेंट किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वाड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स विल मीट इन टोक्यो। तो क्वाड कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो टोक्यो में मिलेंगे। एंड यहाँ पर जो क्वाड कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, यूएसए, देन जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ओके, एंड इसका एम है कि एक एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप की जाए जिसमें सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, मंगोलिया, कोरियन पेनिनसुला और अदर साउथ ईस्ट जो एशिया कंट्रीज हैं वो शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 12th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड वर्चुअली ऑन नवंबर 17। तो जो 12वां ब्रिक्स समिट है वो 17 नवंबर को जो है हेल्ड किया जाएगा। एंड इसका जो थीम है ब्रिक्स समिट का वो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, और ब्रिक्स की हम बात करें तो ब्रिक्स में जो कंट्रीज शामिल है वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। राइट, ये कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। इससे पहले जो 11th ब्रिक्स समिट था वो ब्राजीलिया, ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और स्विगी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं उनको ऑनलाइन लेकर जाया जा सके। और ये जो है एमओयू साइन हुआ है, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है, जो स्ट्रीट वेंडर्स में जहाँ पे वर्किंग कैपिटल उनको दी जाती है उसके अंतर्गत ये साइन जो है हुआ है। नेक्स्ट इज नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 वर प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल के द्वारा। पहले नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए एंड इसमें जो है कम से कम 14 स्टार्टअप्स जिनको अवार्ड दिया गया था, दीज वर अलोन फ्रॉम कर्नाटका। ओके, एंड इसके साथ साथ एक इंक्यूबेटर और एक एसिलरेटर को भी अवार्ड दिया गया था। तो एक एसिलरेटर को जिसको अवार्ड दिया गया था दैट टू वाज आल्सो फ्रॉम कर्नाटका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्टार्टअप्स थी वो कर्नाटका से थी। चलिए अब हम आज की न्यूज देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट इज 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हैज बीन अवार्डेड टू रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज। तो इन तीनों को जो है जॉइंटली 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है। रॉजर पेनरोज को हाफ ऑफ दिस ईयर्स प्राइज मिला है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लैक होल फॉर्मेशन की डिस्कवरी की, विच इज अ रॉबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, एंड जो अदर हाफ है, जो इस नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स का जो दूसरा हिस्सा है उसको शेयर किया है रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज ने, फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी। ठीक है, तो हमारे जो गैलेक्सी के केंद्र में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल का जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पर डिस्कवर किया गया बाय रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस बार का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स का वो ब्लैक होल की डिस्कवरीज के लिए दिया गया है। ठीक है, रोजर पेनरोज ही इन्वेंटेड मैथमेटिकल मेथड्स टू प्रूव दैट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स। तो रोजर पेनरोज ने गणितीय तरीकों का आविष्कार किया ताकि ये साबित किया जा सके कि सापेक्षता का जो सामान्य सिद्धांत है वो ब्लैक होल के गठन की ओर जाता है। नेक्स्ट इज गेंजल एंड गेज, दे डेवलप्ड मेथड्स टू सी द सेंटर ऑफ द मिल्की वे विच गिव्स अस द एविडेंस ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे। तो ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं इनका जो मास होता है वो 10 billion से लेकर 100 billion टाइम्स होता है दैट ऑफ सन। प्रोफेसर गेज इज द ओनली 4th वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो ये 4th महिला है जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है। उनसे पहले डोना स्ट्रिकलैंड, मेरिया गोपर्ट मेयर और मैरी क्यूरी को ये नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था। एंड मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी मिला है। ओके,
सो वो इकलौती ऐसी महिला है जिनको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही नोबेल प्राइज मिला है। इसके अलावा हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल होपटन को 2020 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ब्लैक होल की हम बात करें तो इसको सबसे पहले टर्म जो यूज किया गया था वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर के द्वारा इस टर्म का यूज किया गया था इन 1967। दिस इज फॉर्म्ड व्हेन वेरी मैसिव स्टार्स कोलैप्स एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो ये ब्लैक होल तब बनता है जब बहुत बड़े पैमाने पर तारे अपने जीवन चक्र के अंत में गिरते हैं। अ ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स होती है, जो खिंचाव होता है ब्लैक होल का, वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता है, ये उसको भी समा लेता है। एल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट्स दैट अ सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट मास कैन डिफॉर्म स्पेस टाइम टू फॉर्म अ ब्लैक होल। एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की भविष्यवाणी है कि एक पर्याप्त कॉम्पैक्ट द्रव्यमान ब्लैक होल बनाने के लिए अंतरिक्ष समय को विकृत कर सकता है। चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कि रॉजर पेनरोज हैं, ये रीनहार्ड गेंजल हैं और ये एंड्रिया गेज हैं जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है। क्वेश्चन इज द वन हाफ ऑफ द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हैज बीन अवॉर्डेड टू रीनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज वाइल द अदर हाफ हैज बीन अवॉर्डेड टू विच साइंटिस्ट। 2020 के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा रीनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को दिया गया है जबकि अन्य आधे को किस वैज्ञानिक को दिया गया है? रॉजर पेनरोज, डोना स्ट्रिकलैंड, फ्रेडरिक सेंगर एंड जॉन बी गुडेनफ। सो वॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रॉजर पेनरोज। नेक्स्ट इज SpaceX has won a $149 million contract to build missile tracking satellites for the Pentagon, the US Space Development Agency. तो US Space Development Agency Pentagon के लिए missile tracking satellites को बनाने का जो contract है वो SpaceX के द्वारा जीत लिया गया है। अब ये 4 satellites जो है ये build करेगा और इसके अलावा जो अन्य 4 सैटेलाइट्स हैं वो L3 Harris Technologies जो कंपनी है ये बिल्ड करेगी। एंड दिस इज पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज प्रोक्योरमेंट ऑफ सैटेलाइट्स टू डिटेक्ट एंड ट्रैक मिसाइल्स लाइक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बाय द US स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी। ये अमेरिकी अंतरिक्ष विकास एजेंसी द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जैसी मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए पहले चरण की खरीद का हिस्सा होगा। SpaceX की हम बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं एलन मस्क हैं और उन्होंने इसको 2002 में फाउंड किया था। ये एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है। ये अपने रियूजेबल रॉकेट्स और एस्ट्रोनॉट कैप्सूल्स के बारे में जानी जाती है और अभी जो एक नासा का मिशन गया था उसको जो है उसमें जो रॉकेट था वो किसने डेवलप किया था? वो SpaceX ने ही डेवलप किया था। हमने ये न्यूज़ में था, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी डिस्कस किया था। एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। SpaceX का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है एंड CEO ऑफ SpaceX इज एलन मस्क। क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर SpaceX? अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता SpaceX के संस्थापक कौन है? एलन लॉकहीड, रॉजर कार, एलन मस्क एंड डेविड जॉयस। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एलन मस्क। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट नोटिफाइड नेम ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और ये 3 मेंबर्स कौन कौन है? आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा एंड शशांक भिड़े। तो इन तीनों को जो है एज द न्यू मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नोटिफाई कर दिया गया है। जो पहली मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वो अक्टूबर 2016 में हुई थी और जो 3 मेंबर्स हैं रविंद्र ढोलकिया, चेतन घाटे और पामी दुआ, इनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था एंड इसी वजह से जो मीटिंग शेड्यूल थी 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वो पोस्टपोन कर दी गई उस मीटिंग को, क्योंकि जो इन लोग का तो टर्म खत्म हो गया था और जो नए मेंबर्स थे उनको नॉमिनेट नहीं किया गया था।
इसके चलते मीटिंग नहीं हो पाई। द टर्म ऑफ न्यू एमपीसी मेंबर्स विल बी फॉर 4 years, तो 4 साल के कार्यकाल के लिए नए मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है, और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स विच विल बी अर्लियर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें आरबीआई गवर्नर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उनके साथ साथ आरबीआई गवर्नर के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में डिप्टी गवर्नर होते हैं, और उसके अलावा एक ऑफिसर होते हैं आरबीआई के एज इट्स मेंबर, और उसके अलावा 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो कुल मिला के आरबीआई के गवर्नर चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा एक डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, और एक ऑफिसर होते हैं आरबीआई के, और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज नॉट अमंग द 3 new members ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा अधिसूचित मौद्रिक नीति समिति के 3 नए सदस्यों में से कौन नहीं है? जयथ आर वर्मा, रविंद्र ढोलकिया, शशांक भिड़े एंड आशिमा गोयल। So what will be the correct answer for this? Guys, keep commenting the correct answer. So इसका correct answer होगा option B, that is रविंद्र ढोलकिया, क्योंकि इनका term अभी end हुआ है। Next is an MOU has been signed between प्रसार भारती and Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, that is IFCO। प्रसार भारती और IFCO के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, और इस समझौते ज्ञापन के अनुसार इनोवेटिव टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर विल बी ब्रॉडकास्टेड बाय डीडी किसान। तो जो भी नई तकनीक हैं, जो भी इनोवेटिव मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, वो दिखाए जाएंगे डीडी किसान पर। डीडी किसान मई 2015 में लॉन्च किया गया था। इसको आसान भाषा में जो है इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। 30 मिनट्स के प्रोग्राम होंगे और टोटल इसमें लगभग 25 एपिसोड के फॉर्म में दिखाए जाएंगे। And this broadcast, it will benefit farmers and is necessary for making India आत्मनिर्भर। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। IFCO की हम बात करें तो ये multi-state cooperative society है, which is involved in the business of manufacturing and marketing of fertilizers, और इसके headquarters नई दिल्ली में located है। और ये कब found हुआ था? 3 November 1967 में ये जो है स्थापित हुआ था। प्रसार भारती की हम बात करें तो इट वॉज फॉर्मड इन नवंबर 1997। इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में लोकेटेड हैं, और इसके जो CEO हैं वो शशि शंकर वेम्पति हैं। जो इसकी पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन है वो खाली है, क्योंकि डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने फरवरी 2020 में रिजाइन कर दिया था एज अ चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती, एंड उसके बाद से किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन MOU अंडर विच डीडी किसान विल ब्रॉडकास्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्निक्स, निम्नलिखित में से किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत डीडी किसान नवीन कृषि तकनीकों का प्रसारण करेगा? प्रसार भारती एंड नाबार्ड, प्रसार भारती एंड IFCO, प्रसार भारती एंड ICAR, प्रसार भारती एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। So what will be the correct answer for this? ध्यान से पढ़िए question. The correct answer will be option B, that is प्रसार भारती और IFCO के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। Next is India and Myanmar, they reached an agreement on making Sitwe port in Rakhine state operational by first quarter of 2021. तो भारत और म्यांमार ने 2021 की पहली तिमाही तक रखाइन प्रांत में सितवे बंदरगाह बनाने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वो एक समझौते पर पहुंचे हैं, और इसका जो अनाउंसमेंट है ये अभी जो हमारे इंडियन आर्मी चीफ जनरल हैं MM नरवणे, दैट इज मनोज मुकुंद नरवणे, और फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जो म्यांमार अभी गए थे, तो उनकी विजिट के एंड डे पे ये अनाउंसमेंट की गई है। एंड इसके साथ साथ 3,000 vials ऑफ रेमडेसिविर, दैट इज रेमडेसिविर की 3,000 खुराक जो है वो किसको दी गई? 1991 नोबल प्राइज पीस प्राइज विनर ऑंग सांग सू की, जो कि फर्स्ट स्टेट काउंसलर है म्यांमार की, उनको हैंड ओवर किया गया। और इंडिया और म्यांमार ने कहा कि वो अपनी पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे इन बॉर्डर सिक्योरिटी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, पावर एंड एनर्जी, एंड इन एरिया सच एज ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज एंड डिफेंस एक्सचेंजेस।
तो वो हर तरीके से जो है एक दूसरे के प्रति जो भी कमिटमेंट है उसको पूरा करेंगी और रिश्तों को और मजबूत बनाएंगी दोनों देशों के बीच। द प्रोग्रेस इन इंडियन असिस्टेड ट्राइलेटरल हाईवे एंड कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो डिस्कस बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो इसमें जो ट्राइलेटरल हाईवे है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और भारत इन्वॉल्व है, उसके प्रोग्रेस के बारे में डिस्कशन हुआ। साथ ही जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी डिस्कशंस हुए। इंडिया ने $2 मिलियन भी अनाउंस किए फॉर द बॉर्डर हार्ट ब्रिज एट बायन्यू सारी सरसी चौक इन चीन स्टेट एंड दिस विल प्रोवाइड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बिटवीन मिजोरम एंड म्यांमार। तो भारत ने चीन राज्य में बायन्यू सरसी चौक में बॉर्डर हार्ट ब्रिज के लिए $2 मिलियन की भी घोषणा की। यह मिजोरम और म्यांमार के बीच आर्थिक संपर्क प्रदान करेगा। म्यांमार की हम बात करें तो इसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इसकी कैपिटल नया पिदाऊ है और करेंसी बर्मीज क्यात है। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं सितवे पोर्ट की, ये सितवे पोर्ट लोकेटेड है। अभी अगर आप देखें तो इंडिया से अगर यहाँ से मान लीजिए कोलकाता से अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होनी है और इधर के नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहीं जानी है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर ये जाता है और इसमें ये थ्रू लैंड रूट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें बहुत महंगी भी हो जाती हैं एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर सितवे पोर्ट के थ्रू अगर ये सितवे पोर्ट यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाती है तो एक तो यहाँ पर जो पूरा रूट है वो छोटा हो जाएगा, कोलकाता से सितवे पोर्ट एंड देन सितवे पोर्ट से यहाँ पर कनेक्टिविटी हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इकोनॉमिक ट्रेड है वो बढ़ेगा, ठीक है, बिटवीन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया एंड रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। एंड जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो हो सकेगा, चीज़ें टाइमली पहुँचेंगी, तो जैसे पेरिशेबल आइटम्स हैं वो भी टाइमली पहुँच सकेंगे, तो इस रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट होगा एंड फ्रॉम सिक्योरिटी पर्पस भी यहाँ पर काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। सितवे पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सितवे बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज म्यांमार। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर ICBC, Confederation of Indian Industry, CII and Ministry of External Affairs of India, they have jointly organized a two-day long India-Canada AgriTech Virtual Seminar. Indo-Canadian Business Chamber, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारत के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से दो दिवसीय भारत कनाडा AgriTech Virtual Seminar का आयोजन किया है। And Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस सेमिनार को एड्रेस किया और भारत के जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे वन नेशन वन मार्केट या फिर जो अभी एग्री इंफ्रा फंड जो अभी इस्टेब्लिश किया गया था 1,00,000 करोड़ का, उसके बारे में बात की। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिजिटल एग्री स्टैक विच इज बींग डेवलप्ड बाय इंडिया एज एन इनेबलर फॉर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर। And while addressing the virtual seminar jointly by ICBS, CII and MEA, the minister also said के जो number of startups हैं भारत में इंडिया के एग्री टेक सेक्टर में वो 450 से भी ज्यादा हो गए हैं। He also said that every 9th agri tech startup in the world is an Indian and India is the 5th largest importer of Canadian vegetables and 7th largest importer of leguminous vegetables. उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में हर नौवा एग्रीटेक स्टार्टअप जो है वो भारतीय है और भारत कैनेडाई सब्जियों का 5वां सबसे बड़ा आयातक है और लेगुमिनस सब्जियों का 7वां सबसे बड़ा आयातक है। जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं अभी वो 4 यूनियन मिनिस्ट्रीज को अभी हैंडल कर रहे हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शामिल है। अभी हाल ही में जो 3 फार्म बिल्स थे उनके प्रोटेस्ट में जो मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने रिजाइन कर दिया था एंड ये मिनिस्ट्री भी जो है नरेंद्र सिंह तोमर को दे दी गई।
क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थ्री बॉडीज दैट जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड अ टू डे लॉन्ग इंडिया कैनेडा एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार. निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से दो दिवसीय भारत कैनेडा एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन नहीं किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कैनेडा, इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैनेडा के विदेश मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है. नेक्स्ट इज इंडिया पीवीएच 2020 अ ग्लोबल मीट वॉज ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन्वेस्ट इंडिया. ठीक है, तो एक ग्लोबल मीट ऑर्गेनाइज की गई है एंड इसका जो पर्पस था इस संगोष्ठी का वो भारत में अत्याधुनिक पीवी विनिर्माण की सुविधा के लिए किया गया था. ठीक है, पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के लिए ये सिंपोजियम जो है फैसिलिटेट मतलब ऑर्गेनाइज किया गया फैसिलिटेट करने के लिए. इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स इक्विपमेंट मेकर्स एंड पीवी चैंपियंस टू प्रेजेंट देयर टेक्नोलॉजीज टू द इंडियन स्टेक होल्डर्स. अभी क्या होता है कि जो भी ज़्यादातर पीवी मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि बाहर वो इंपोर्ट में सस्ता पड़ता है और यहाँ पर जो डेवलप किया जाता है वो महंगा पड़ता है. तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किया गया ताकि भारत में जो भी पीवी मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जा सके और इसमें आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट किया जा सके. जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं इस प्लेटफॉर्म पर आके लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपनी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको डिस्कस करें. इंडिया एम्स टू अचीव 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022 एंड 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030. भारत का लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2030 तक 450 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा हासिल करना है. इस सिंपोजियम में तीन सेशन थे. जो पहला सेशन था इसमें पॉलिसी मेकर्स ने हाईलाइट किया इंडिया के स्ट्रॉन्ग इम्पिटस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. इंडिया का एम क्या है रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, क्या इन्वेस्टमेंट है फॉर क्लाइमेट और इसकी एम्बिशंस क्या है रिलेटेड टू सोलर मैन्युफैक्चरिंग. इसके साथ साथ जो विजन है इलेक्ट्रीफायर इकोनॉमी एंड ग्रीन आर इलेक्ट्रिसिटी इसको भी डिस्कस किया गया. ग्रीन आर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है भारत में जो मैक्सिमम अभी होती है वो थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू होती है जिसके कारण बहुत पोल्यूशन भी होता है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब जो ऐसे सोर्सेज की तरफ मूव करना जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्लीन प्रोड्यूस हो पोल्यूशन ना हो. ठीक है, तो उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करना तो दैट इज ग्रीन आर इलेक्ट्रिसिटी. गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपोर्ट स्कीम एंड बाय रिमूविंग सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स. तो गवर्नमेंट जो है पीवी मैन्युफैक्चरिंग के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है उनको इंटरेस्ट सब्सिडी देकर या फिर परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपोर्ट स्कीम के थ्रू. तो वेरियस उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं. द सेकेंड सेशन इट कंसिस्टेड ऑफ थ्री पैरेलल पिचिंग सेशंस ऑन वेफर सेल मॉड्यूल प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड BOM. कटिंग एज गीगा स्केल सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड्स ऑन थ्री पिलर्स डिसरप्टिव पीवी केमिस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग बाय कस्टम इंजीनियर्ड एडवांस प्रोडक्शन इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव BOM कॉम्पोनेंट्स लाइक स्पेशल ग्लास एंड कोटिंग विघटनकारी पीवी रसायन विज्ञान कस्टम इंजीनियर उन्नत उत्पादन उपकरण द्वारा विनिर्माण विशेष चश्मे और कोटिंग्स जैसे अभिनव BOM घटकों का उपयोग अत्याधुनिक गीगा स्केल सौर विनिर्माणों के तीन स्तंभ हैं. तीसरा जो सेशन था उसमें दैट ब्रॉट मेनी लार्ज इन्वेस्टर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू कैटलाइज इन्वेस्टमेंट मोमेंटम इन कटिंग एज पीवी टेक्नोलॉजीज. तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवी टेक्नोलॉजीज वो थर्ड सेशन था. भारत का जो नेशनल सोलर मिशन है दिस वॉज लॉन्च इन जनवरी 2020 टू प्रमोट सोलर पावर एंड इसका जो टारगेट सेट किया गया है हाल ही में वो है कि 100 गीगावाट सोलर एनर्जी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अचीव करनी है बाय 2022 एंड यही कमिटमेंट भारत ने जो है अपने INDC में दिया फॉर पेरिस एग्रीमेंट.
एंड ये जो मिशन है नेशनल सोलर मिशन, ये जो वेरियस प्लान्स हैं अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, इसके अंतर्गत ये एक मिशन है. द मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये मिशन जो है नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत जो है क्रियान्वित किया जा रहा है. प्रश्न देख लेते हैं इससे जुड़ा. रिसेंटली अ ग्लोबल मीट इंडिया PVH 2020 वॉज ऑर्गेनाइज टू फैसिलिटेट कटिंग एच PV मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. हाल ही में एक वैश्विक संगोष्ठी इंडिया PVH 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वेस्ट इंडिया एंड ऑल ऑफ द अबव. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज MA गणपति को अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. ये न्यूज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट सेक्शन से, कि जो MA गणपति हैं इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू DG ऑफ BCAS. और ये 1986 बैच के IPS ऑफिसर हैं. उन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है. राकेश अस्थाना जो है वो सीनियर IPS ऑफिसर हैं जो हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल एज सर्व कर रहे हैं और साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के. ठीक है, तो एडिशनल चार्ज उनको दिया गया है फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. एंड ये जो MA गणपति का अपॉइंटमेंट है इसको अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया था. ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की हम बात करें तो ये एक अटैच ऑफिस है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और इसकी जिम्मेदारी है कि जो भी सिविल एविएशन की सिक्योरिटी है भारत में उस पर ध्यान देना, उसको कैसे रखना है, क्या करना है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी BCAS की होती है. एंड दिस इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ DG ऑफ पुलिस एंड इज डिजिग्नेटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी. तो इसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक रैंक का अधिकारी करता है और इसे सुरक्षा महानिदेशक के रूप में नामित किया जाता है. तो ये देख सकते हैं आप फोटो, ये MA गणपति हैं. क्वेश्चन आपके लिए, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MA गणपति, राकेश अस्थाना, के विजय कुमार एंड संयुक्ता प्राशर. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज MA गणपति. नेक्स्ट इज कीटो डाइट रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑन आर बॉडी. तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक एक्ट्रेस की मौत हो गई थी हॉस्पिटल में क्योंकि वो काफ़ी टाइम से किडनी फेल्योर से सफ़र कर रही थी क्योंकि वो कीटोजेनिक डाइट को फॉलो कर रही थी. तो इसलिए काफ़ी चर्चा में था ये कीटोजेनिक डाइट. सो आपको पता होना चाहिए कि कीटोजेनिक डाइट क्या होती है, इससे प्रश्न बन सकता है. तो कीटोजेनिक डाइट या फिर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कीटो डाइट काफ़ी पॉपुलर है स्पेशली अमंग द मॉडल्स. एंड ये जो डाइट है इट इज़ हाई इन फैट एंड प्रोटीन बट वेरी लो इन कार्ब्स. तो इसमें फैट और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है. इसके कारण क्या होता है कि वेट लॉस जल्दी से होने लगता है. तो यूजुअली वेट लॉस जिसको करना होता है वो लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं. एंड इसमें वेट लॉस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसका नाम है कीटोसिस. इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में होता क्या है कि जब बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो अब कार्बोहाइड्रेट तो कम होता है इस डाइट में, तो कार्बोहाइड्रेट तो बर्न कर नहीं पाएगा लिवर. तो लिवर क्या होता है, बॉडी के फैट को एनर्जी के लिए बर्न करना स्टार्ट करता है. और जब फैट आपका बर्न होगा तो क्या होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. इस प्रोसेस में लिवर एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कीटोन्स और ये जो है ये फैट को बर्न करता है बॉडी में. इट गॉट पॉपुलैरिटी एज अ पोटेंशियल वेट लॉस स्ट्रैटेजी इन द 1970s. तो 1970 के दशक में इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली कीटो डाइट को. एक जो पॉपुलर कीटो डाइट है उसमें 70-80% जो है फैट होता है, 5-10% कार्बोहाइड्रेट होते हैं. देखिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी कम है, सिर्फ 5-10% होते हैं. एंड 10-20% जो है प्रोटीन होता है. कुछ फूड आइटम्स जो कीटो डाइट का पार्ट है उनके बारे में जानते हैं, जैसे एग्स, चिकन,
फैटी फिश लाइक सेलमन एंड मैकरल, फुल फैट डेयरी नट्स, सीड्स लाइक मैसेडेमिया नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स एंड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक ग्रीन्स, ब्रोकली, टोमेटोज एक्सेट्रा, ये सब इस जो है आहार के हिस्से होते हैं। अच्छा, इसका स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कीटो डाइट को फॉलो कर रहा है तो ये चीज़ ध्यान रखें कि इससे काफ़ी जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, काफ़ी पोषक तत्व जो है उनकी कमी हो सकती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम होता है, प्रोटीन की कमी हो सकती है, जो मल्टीपल विटामिन्स है वो कमी हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस, इन सब की कमी हो सकती है बॉडी में। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन कैन लीड टू हंगर, तो भूख, थकान, लो मूड, इरिटेशन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और जो मस्तिष्क पे धुंधलापन जो आता है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये किडनी पर असर डालता है, और जो भी इस कीटो डाइट को फॉलो कर रहा है उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकते हैं, जिससे किडनी फेलियर आने वाले समय में हो सकता है। तो ये कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं कीटो डाइट के। तो इसीलिए जो भी कीटोजेनिक डाइट है, इट शुड बी टेकन अंडर द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट और या फिर कोई डाइटिशियन है उसकी सलाह से ही कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करें, अपने आप से ना करें। दिस डाइट रिस्ट्रिक्ट्स द इनटेक ऑफ कार्ब्स एंड विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न वेट लॉस डाइट्स। तो अगर हम और जितने भी वेट लॉस की जो डाइट्स हैं उनको हम देखें तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होता है वो कम नहीं होता है। इस डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होता है वो कम होता है, इसीलिए ये और मॉडर्न वेट लॉस डाइट से अलग है। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट कीटो डाइट। कीटो आहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अ कीटो डाइट इज हाई इन फैट बट लो इन कार्ब्स। इट हेल्प्स इन वेट लॉस थ्रू कीटोसिस। इट हैज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। एंड एग्स, चिकन, नट्स, ब्रोकली एटसेट्रा आर सम ऑफ द फूड आइटम्स ऑफ दिस डाइट। कीटो आहार वसा में उच्च लेकिन कार्ब्स में कम होता है। ये कीटोसिस के माध्यम से वजन घटाने में मदद करता है। इसका मानव स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। अंडा, चिकन, नट्स, ब्रोकली आदि इस आहार के कुछ खाद्य पदार्थ हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, स्पेशली किडनी पे। नेक्स्ट इज नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अंडर द डिविजन ऑफ विच इज अ डिविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट हैज इन्वाइटेड applications for national awards 2020 for science and technology communication। तो 2020 के जो national award हैं जो science and technology communication में दिए जाते हैं उसके लिए application invite की गई है। ये award जो है ये इनका उद्देश्य है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संचार में जो भी उत्कृष्ट योगदान है लोगों का उसको पहचानना है। और ये जो award हैं ये हर साल National Science Day पर यानी कि 28 फरवरी को दिए जाते हैं। और ये अभी तक जो है 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। उसमें है आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संचार में स्थायी प्रयास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन थ्रू प्रिंट मीडिया इंक्लूडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, पुस्तकों और पत्रिकाओं सहित प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉपुलराइजेशन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लोकप्रियकरण, ट्रांसलेशन ऑफ पॉपुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिटरेचर, लोकप्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य का अनुवाद, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन थ्रू इनोवेटिव एंड ट्रेडिशनल मेथड्स, नवीन और पारंपरिक तरीकों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार। और 6th कैटेगरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार। अब इस अवार्ड में एक प्रशस्ति पत्र, एक साइटेशन दिया जाता है, एक मोमेंटो यानी कि एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, और जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके लिए 5 लाख दिए जाते हैं, एंड इन लास्ट 5 कैटेगरीज में हर विनर को 2 लाख रुपीज अवार्ड किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी ईयर ऑन विच डेट इज द नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन प्रेजेंटेड। हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है।
2 अक्टूबर 7 नवंबर 28 फरवरी एंड 15 सितंबर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 28 फरवरी, क्योंकि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ओके सो इसीलिए जो है इस दिन ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज बीन गिवन टू इमैनुएले चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डॉडना। ये दोनों ही महिला साइंटिस्ट हैं और इनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है। एंड इनको जो अवार्ड दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग क्रिस्पर कास नाइन के लिए, क्रिस्पर कास नाइन के लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो जीनोम एडिटिंग एक टेक्निक है और उसका एक मेथड है क्रिस्पर कास नाइन, तो उसको डेवलप किया गया है इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर एडुडना के द्वारा और उनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है। इनके अलावा मैरी क्यूरी, उनकी बेटी इरीन जोलियट क्यूरी, डोरथी क्रोफुट हॉकिन, एडा योनाथ और फ्रांसिस एच आर्नोल्ड को इससे पहले सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में। एंड फ्रेडरिक जोलियट जो कि इरीन जोलियट क्यूरी के पति थे, ये यंगेस्ट पर्सन थे टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री और उनको ये जो अवार्ड था उनको अपनी वाइफ के साथ मिला था। ही वॉज एट दैट टाइम 35 ईयर्स ओल्ड। जीनोम एडिटिंग या फिर जिसको जीनोम इंजीनियरिंग या जीन एडिटिंग कहते हैं, तो ये एक मेथड है जिससे एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को बदला जा सकता है, इससे डीएनए को इंसर्ट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है या फिर किसी के जीनोम में प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जीनोम एडिटिंग एक टेक्निक है और इसमें जो सबसे लेटेस्ट जीनोम एडिटिंग टूल है वो क्रिस्पर कास नाइन है जो कि इन दो महिला साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। क्रिस्पर का मीनिंग है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स, यानी नियमित रूप से छोटे पैलिंड्रोम रिपीट किए गए क्लस्टर को नियमित रूप से काट दिया जाता है। यहाँ पर कास नाइन जो है, कास नाइन एक कॉम्पोनेंट है जो एक बैक्टीरिया में पाया जाता है जो कि ईजिली डीएनए को कहीं से भी कट करने में इजी हेल्प करता है। ठीक है, एक सीजर की तरह ये ऐड करता है ये टूल और ये काफ़ी हेल्पफुल है। इट वॉज इन्वेंटेड इन 2009। ये एक सिंपल, फास्टर, चीपर और एक्यूरेट मेथड है जीन एडिटिंग का। जीन एडिटिंग के काफ़ी सारे मेथड हैं, जो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो क्रिस्पर कास नाइन है। एंड ये क्रिस्पर कास नाइन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि चाइना में एक रिसर्च की गई थी एंड इस रिसर्च के दौरान यहाँ पे जीनोम एडिटिंग टूल को इसको यूज़ किया गया था फॉर मेकिंग चेंजेस इन द एम्ब्रियो के, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही उसमें अगर कोई भी फीचर्स जैसे डालने हैं कि जैसे उसका दिमाग बहुत तेज़ हो या फिर कुछ भी इस तरह के कुछ उसमें जेनेटिक फीचर्स अगर ऐड करने हैं तो वो किए जा सकते हैं। तो इस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि ये नेचर के साथ छेड़छाड़ है एंड इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ है। ओके, एंड जीनोम एडिटिंग जो है ये रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जा सकती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस और साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप्स के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, तो जो भी जेनेटिक डिजीजेस हैं, अगर पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर ना हो वहाँ पे, तो ऐसे डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जीनोम एडिटिंग काफ़ी हेल्पफुल टूल है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनुएल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डॉडना हैव बीन जॉइंटली अवार्डेड द 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर डैश। इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना को किस लिए संयुक्त रूप से 2020 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि का विकास, फेज डिस्प्ले ऑफ पेप्टाइड्स एंड एंटीबॉडीज, पेप्टाइड्स और एंटीबॉडीज का फेज प्रदर्शन, डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ मॉलिकुलर मशीन्स, आणविक मशीनों का डिजाइन और संश्लेषण। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग के लिए उनको अवार्ड दिया गया। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एंड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लिए हैं। आई होप आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे।
इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।